अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसन। आप लोग मौजूद हैं हमारे चैनल अली हसन 5432 पर। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों और अपने दोस्तों से एक सॉरी करना चाहता हूं, वो इस बात की जो मैंने आप लोगों को एक दिन पहले वन पार्ट में वीडियो दी थी, मगर मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं आप लोगों को इस वीडियो का टू पार्ट भी सेंड करूँगा, मगर मैं आप लोगों को वो टू पार्ट सेंड नहीं कर सका। वो मुझे एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो नहीं बना सका। तो आज की हमारी वीडियो बहुत अहम वीडियो है, ये एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बातें बताने लगा हूँ। आज किसी फिल्मी अदाकार की नहीं बताऊँगा, ना किसी फिल्मी हीरो की बताऊँगा, और ये जो आज की वीडियो मेरी बन रही है ना, ये मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बना रहा हूँ, और आप लोगों को कुछ बताऊँगा मैं कहाँ से हूँ और कहाँ से ये व्लॉग बनाता हूँ और अपने बारे में बताऊँगा। तो जी दोस्तों, आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में। मैं शहर पत्तोकी से ताल्लुक़ रखता हूं, और जो हमारा ज़िला है वो हमें ज़िला कसूर लगता है, और जो हमारी तहसील है वो पत्तोकी ही लगती है, और जो मेरा नाम है जिसको बोलते हैं असल नाम, वो मेरा अली हसन है। इस नाम से मुझे घर में भी पुकारा जाता है, और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो मुझे बिल्ला के नाम से पुकारते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को अपने फ्रेंडों के कुछ तारफ कराता हूँ, जिनमें हैं सैयद नईम अब्बास जो उकाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक हमारा जो कज़न भी है और दोस्त भी है उसका नाम है हारून भाई, ये लाहौर ठोकर में रहते हैं, और जो मेरा भांजा है उसका नाम है अली असद, वो हबीबाबाद शहर में रहता है, और जो मेरा एक भतीजा है जो मेरे साथ बहुत प्यार करता है उसका नाम है अली अकबर, और दो दोस्त मेरे और भी हैं जिनका नाम अली अंस और अली हसनैन है, ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और सबसे मज़ेदारी की बात आप लोगों को मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरी फेवरेट चीज़ खाने वाली है ना, जो मैं ज़्यादा मतलब शौक़ से खाता हूँ, उनमें है सफ़ेद चावल उबले हुए और साथ में साबत मसर, ये दोनों चीज़ें, और साथ में रायता सलाद पुदीने वाली चटनी, ये तीन चीज़ें मैं बहुत ही शौक से खाता हूँ। जब भी मुझे दोपहर को भूख लगती है तो मैं अपने घर में यही बोलता हूँ कि मुझे खाने के लिए यही चाहिए। और जो मेरी इतनी तालीम तो नहीं है, मैंने मैट्रिक से छोड़ दिया था, मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मगर जो मेरा शौक़ था एक यूट्यूब चैनल बनाने का, ये एक मेरा बहुत बड़ा शौक था, और जो मेरा अल्लाह पाक ने मेरे पर बहुत मेहरबान हुए हैं और मेरा उन्होंने साथ दिया है, और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। तो बातें आप लोगों को मैं और भी आगे बताता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करने लगा हूं, अगर हमारी वीडियो आप दिलचस्पी से देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और ये एक बार फिर सॉरी करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास और टाइम नहीं है बातें बताने का, और दूसरी वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी कुछ राज की बातें और अहम बातें करने जा रहा हूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।